ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरी साजना। और यहाँ पे तो चाय भी है। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। अरे नहीं, ये कोई मस्करी वाला वीडियो नहीं है। आज आपको मैं अपनी बालकनी से फॉरेस्ट व्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट पोस्ट में आपको बताया था कि हम करने वाले हैं कुछ स्पेशल। तो आज की हमारी को सबसे शुरू होगी पेंटिंग्स के बारे में, और आज हम करने वाले हैं मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी का मतलब होता है शहद का वन, इसीलिए आपको मैंने ये फॉरेस्ट व्यू दिखाया। तो जैसा कि मैंने कहा, हम बात करने वाले मधुबनी पेंटिंग का, जो कि मिथिला बिहार की पेंटिंग है, जिसे दीवारों पर लिप किया जाता है फूलों पत्तियों और रंगों से। तो ऐसे कहते हैं कि राम जी के विवाह के टाइम पे जनक जी ने वहाँ की लेडीज़ को बोला था कि दीवारें लिप कर उनमें बहुत सुंदर चित्रकारी करो, जिससे कि मिथिला सुंदर सज जाए। बिल्कुल। और ऐसे भी कहते हैं कि पार्वती माता ने सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाई थी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखिए कैसे दीवारें सुंदर से सजा के, कहते हैं इसमें स्पेशल जो बात है वो ये कि इसमें डबल लाइंस होती हैं जो शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं तरह तरह के ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसा आप जानते भी होंगे इसमें बहुत नेचुरल माइथोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। और ये होते हैं छोटे छोटे नेचर से जुड़े हुए मोटिव, जैसे कि आप देख सकते हैं मोर मछली, शंख का मोती होता है, वो सांप और दशावतार, दश महावीर, राम सीता मंदिर, कृष्ण लीला, कई तरह के इसमें मोटिव्स और माइथोलॉजिकल सीन्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बहुत प्यारी चीज़ है। तो ये पांच तरह की होती है, भरनी, कचनी, गोदना, तांत्रिक और गोबर। तो जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले है ये कचनी, जिसमें एक रंग से बनाया जाता है और फाइन लाइन से डबल लाइनिंग करके इसे एक या मैक्सिमम दो रंग से बनाया जाता है। और उसके बाद आता है हमारा, देखिए उसके बाद हमारा सेकेंड नंबर पर आता है हमारा भरनी, जिसमें रंग भरे जाते हैं बहुत ही वाइट कलर्स, सुंदर सुंदर माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स, अमेजिंग। उसके बाद हमारा आता है गोबर। गोबर कहता है शादी वाले घर में जो दूल्हा दुल्हन का जो रूम होता है उसको सजाया जाता है। इसमें चांद, तारे और सारे भगवान उनको ब्लेसिंग्स देने के आते हैं। इसे बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है और दूल्हा दुल्हन के रूम को में ये पेंटिंग की जाती थी। तीसरे नंबर पर आती है हमारी गोदना, जिसे पहले हाथ में किया जाता, शरीर में पहले इसको टैटू बनाए जाते थे। इंडिया का क्या आई थिंक वर्ल्ड का सबसे पहले टैटू गोदना से ही शुरू हुआ। देखिए कितना सुंदर हाथों में गोदना बनाया, बाद में कागज़ पे, कपड़ों पे और बाद में कैनवास पे, और अब तो हर चीज़ में किसी भी आर्टिकल में बना देते हैं इसे। लास्ट वन है तांत्रिक, इसे थोड़ा सा सस्पिशियस माना जाता है कि इसमें तंत्र विद्याओं से रिलेटेड होता है, पर नहीं, ये दश अवतार और दश महाविद्याओं की पेंटिंग है, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा, ये है हमारे पांच तरह के मधुबनी पेंटिंग, जो है भरनी, कचनी, कूदना, कोपर और तांत्रिक। तो आपने देखा ये सुंदर पेंटिंग। अब तो सूट, साड़ी और दुपट्टा और जाने कितने आर्टिकल्स में मधुबनी पेंटिंग तो हैपनिंग है। तो आज के बाद आप जब भी किसी जगह पेंटिंग या फिर कोई भी आर्टिकल देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि मधुबनी। थैंक यू।